हेलो एवरीवन, मैं कोमल। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई बार हमारे फेस पे जो फेशियल हेयर आ जाते हैं ना, कि जो बहुत बुरे लगते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, हमारे फेस पे जो हेयर आ जाते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, और उनको मैंने परमानेंटली हटाने के कई तरीके बताए हैं अपने चैनल पे। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ जिससे हमारे फेस के फेशियल हेयर तो परमानेंटली हटेंगे ही हटेंगे, साथ ही हमारे फेस पे जो टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना, टैन जो जम जाते हैं हमारे फेस पे, वो भी हट जाएंगे, क्लियर हो जाएगा हमारा फेस पूरी तरह से। साथ ही हमारे फेस पे जो झुर्रियां वगैरह आ जाती है, झुर्रियों की प्रॉब्लम भी हमारे फेस से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा तरीका मैं लेके आई हूँ जिससे हमारे फेस के फेशियल हेयर तो हटेंगे ही हटेंगे, फेस पे जमी गंदगी और टैनिंग भी हट जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन सा तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेमेडी को हमें दो स्टेप में पूरा करना है। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें दो चम्मच पानी लेंगे। फिर हमें लगभग चार चम्मच चीनी लेना है। तो यहाँ हमने चार चम्मच चीनी डाल दिया इस बोल में। अब इसी बॉल में हम लगभग आधा नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू से हमारी स्किन की टैनिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। नेक्स्ट हमें डालना है एक पूरा चम्मच भर के शहद। शहद से हमारी स्किन नरिश हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और एक ग्लो आ जाता है हमारी स्किन पे, एक चमक आ जाती है स्किन पे। अब इस मिक्सचर से हमें वैक्स बनाना है। फिटकरी और चीनी वाले हेयर रिमूवल की वीडियो में हमने वैक्स गैस पे बनाया था। पिछले हेयर रिमूवल की वीडियो में कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम अवन में वैक्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं कि अवन में हम वैक्स कैसे बनाएंगे। हम मिश्रण को अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाए और चीनी बर्तन के तले में बैठी ना रह जाए। मैंने 30-30 सेकंड करके पूरे 1 मिनट तक अवन को चलाया। अब इस स्टेज पे यहाँ पे चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है, लेकिन अभी इस मिश्रण को हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो हमने इसे फिर से अवन में डाल दिया। लगभग 1 मिनट तक हमने फिर से अवन को चलाया तो ये हमारा वैक्स बनके तैयार हो गया। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। 30 सेकंड के बाद मैंने इसे चेक किया तो ये इतना परफेक्ट नहीं हुआ था, तो 30 सेकंड के लिए मैंने अवन और चला दिया। तो टोटल में 2 मिनट लगे इस वैक्स को बनाने में, लेकिन ये वैक्स अभी पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया ये वैक्स। अब इसमें हम 1 चम्मच पूरा भर के कॉफ़ी डालेंगे। कॉफ़ी गिर गई मेरे से, तो पूरा 1 चम्मच भर के हमने इसमें कॉफ़ी डाला है। अच्छी तरह से इसे चला लेंगे ताकि पूरी तरह से कॉफ़ी इसमें मिल जाए, उसके कोई लम्स ना रह जाए इसमें। कॉफ़ी हमारी स्किन को डीप क्लीन करती है, पूरी तरह से टैनिंग पर सफाया कर देती है। ये कॉफ़ी पूरी तरह से कालापन, हमारे चेहरे पर जो कालापन है, जो गंदगी है, पूरी तरह से साफ हो जाता है और हमारा चेहरा बिल्कुल निखरा हुआ साफ सुथरा उभर के सामने आता है। साथ ही ये कॉफ़ी हमारी स्किन को टाइटन करने का भी काम करती है। हमारे चेहरे की जो है वो भी इससे दूर हो जाता है और हमारे चेहरे पे एक अद्भुत चमक लेके आती है ये कॉफी। तो चलिए देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे कॉटन के कपड़े लिए हैं, तो अलग अलग साइज में मैंने कॉटन के कपड़ों को कट कर लिया है। वैक्स स्ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर मैंने कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल किया है। कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से साफ हो, उसके बाद ही आप इनका इस्तेमाल करें। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम आप कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने वैक्स बनाया ना, ये जो वैक्स बनाया है ये लगभग ठंडा हो चुका है, तो हमें क्या करना है, बस सिंपल इसे ऐसे लिया और इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। इस वैक्स की खास बात ये है ना, ये पूरी तरह से ठंडा वैक्स है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो इसे एक फेस पैक की तरह हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फेस पैक की तरह अपने चेहरे पे लगाएंगे आराम से। और जब इसे थोड़ी देर सूखने देंगे, जब ये सूख जाए हल्का सा, तो इस पर वैक्स स्ट्रिप लगाएंगे और वैक्स स्ट्रिप को भी हम सूखने देंगे और उसके बाद हम उसे खींच के निकालेंगे। गर्म वैक्स की तरह नहीं कि आप तुरंत वैक्स स्ट्रिप लगाएं और उसे तुरंत खींच के आपने हेयर को रिमूव कर लिया। इस वैक्स स्ट्रिप लगाने के बाद भी थोड़ी देर इसे रखना, उसके बाद ही हमें उसे खींच के अपने हेयर को रिमूव कर लेना है। ये देखिए हमने एक साथ सारे वैक्स स्ट्रिप को लगा लिया है और उसके बाद हम इसे खींच करके हेयर को रिमूव कर लेंगे। वैक्स को लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे हेयर की ग्रोथ जिस तरफ हो रही है हम उसी तरफ वैक्स को लगाएं, और जब उसे रिमूव करना हो तो उसके उल्टे डायरेक्शन में हम उसे रिमूव कर दें। इस वैक्स से आपके चिन के हेयर भी निकल जाते हैं और आपके फेस के हार्ड हेयर भी आसानी से निकल जाते हैं, साथ ही ये फेस पे जमी टैनिंग को भी गहराई के साथ निकाल देती है। मैंने इसे
अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है, जिससे मेरे फेस के छोटे छोटे बाल भी निकल गए। हार्ड बाल तो निकले ही निकले, छोटे छोटे बाल भी निकल गए और फेस पे जमी टैनिंग भी गहराई के साथ निकल गई और पूरा फेस मेरा क्लीन हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, मेरे फेस की रंगत आप देख सकते हैं, पूरा फेस क्लीन हो गया है, टैनिंग पूरी दूर हो गई है, फेस के अनवांटेड हेयर दूर हुए से हुए ही टैनिंग भी दूर हो गई फेस की और सारा फेस मेरा क्लीन हो गया, पूरा चेहरा मेरा क्लीन हो गया। लेकिन अभी ये प्रोसेस पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये पहला स्टेप है और दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमें लेना है आइस क्यूब। ये आइस क्यूब सिंपल आइस क्यूब नहीं है। मैंने क्या किया है, तो एक कप में पानी ले लिया था और उसमें आधा चम्मच पिचकली का मिला लिया था और उसे इस आइस ट्रे में भर लिया था और इस तरह से आइस क्यूब को जमा लिया था। फिटकरी में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ हेयर फॉलिकल को कमजोर करने की भी प्रॉपर्टी होती है, इससे हमारे हेयर फॉलिकल वीक होते हैं। तो जब हमने हेयर रिमूव किया तो हमारे चेहरे के पोर्स ओपन हो गए। अब हमें क्या करना है, इस आइस क्यूब से अपने चेहरे पे कम से कम 5 मिनट तक मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। इससे क्या होगा कि इस आइस क्यूब में मौजूद फिटकरी हमारे पोर्स से अंदर जाएगी और उससे हमारे हेयर फॉल जो है हेयर फॉलिकल कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और लंबे समय तक दोबारा नहीं आएंगे। धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा जब आपके फेस पे हेयर आना ही बंद हो जाएंगे, वो हेयर फॉलिकल इतने कमजोर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि फिटकरी और आइस क्यूब की हेल्प से हमारे चेहरे के जो पोर्स ओपन हुए हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे, चेहरे की टाइटनेस बढ़ेगी और झुर्रियाँ वगैरह है ना, वो भी कम हो जाएंगी और चेहरे पर चमक आएगी सो अलग। और हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, वैक्स करने के बाद चेहरे पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, तो इस आइस क्यूब से मसाज करने से वो दाने भी नहीं आएंगे। इस सेकंड प्रोसेस को आपको कम से कम 7 दिन करना है, उसके बाद आप जब अगली बार हेयर रिमूव करेंगे फेस का, तब उसके बाद आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लगे आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली।